परमेश्वर जितने ने तुझ पर भरोसा किया विश्वास किया परमेश्वर वो तेरी संतान ठहरे मेरे खुदा बाप अपने दया वाला हाथ इन लोगों पर प्रकट कर मेरे पिता जितने सारे लोग दूर दराज है परमेश्वर इनको पर दया कर मेरे परमेश्वर ये टूटे हुए बिखरे हुए हैं मेरे परमेश्वर जिनका कोई रखवाला नहीं होता मेरे बाप उनका तू रखवाला होता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे नाम से ये बड़े दूर से लोग आए हैं खुदा इनके ऊपर दया दे अपने दया वाला हाथ इनको पर भेज ये टूटे हुए हैं ये बिखरे हुए हैं इनके ऊपर दया कर ठीक जीसस ओ पिता सारे लोग अपने सर पर हाथ रखें और उस खुदा बाप को पुकारेंगे दिल से पुकारेंगे हो तेरे चरणों में आकर ठीक जीसस हो सजदा करता हूं तुझसे हालेलुया यीशुवा से आवाज लगाया इसको वो आएगा और सुनेगा ओ थैंक यू हमारे बीच में यीशुवा बोलो यीशुवा हमारे बीच में हम पर दया कर हमारे पापों से क्षमा कर हमारे बीमारियों को आजाद कर हमारे दुख से आजाद करने के लिए हमारे समस्याओं से आजाद करने के लिए और हम पर दया कर ओ चंक जीसस दुआना होगा परमेश्वर आज अपने फोन पवित्र आत्मा तू
थैंक यू जीसस हमारे थैंक यू जीसस में थैंक यू जीसस हो पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में हो तूने मुझे दिल से बोलो दिल से प्यार किया प्यार किया परमेश्वर हो तूने मुझे उतार किया फिर से बोले हो तूने मुझे प्यार किया हमारे बीच में बड़े बड़े गवाहियों को खड़ा करने के लिए बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए बड़े बड़े भलाई का करने के लिए बड़े आशीष के साथ आ दिल से हमारे बीच में अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने महिमा को पूरा करने के लिए अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमारे बीच में ओ थैंक यू जीसस हालेलुया तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूं तुझसे यीशुआ प्रभु का बसने दो प्रभु का आने दो अपने लाइफ में अपने जिंदगी में इनवाइट करो अपने लाइफ में इनवाइट करो उसको पुकारो कि वो आपके जीवन में आए वो आपके पास आए वो आपके घर में आए आपके परिवार में आए अपने लोगों में आए उसको बुलाओ वो जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका जीवन अधूरा है उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बिना मधुर है उसका जरूरत है उसे पुकारो वेलकम करो उसको कि परमेश्वर तू मेरे घर में आ मेरे मुसीबत को दूर कर मेरे गरीबी को दूर कर मेरे कर्जी को दूर कर मेरे समस्या को दूर कर परमेश्वर तू आ तू मुझे छू तू मुझसे बात कर मेरा बीमारी बड़ा नहीं है मेरा दुख बड़ा नहीं है मेरा समस्या बड़ा नहीं है परमेश्वर तू बड़ा है आप पुकारो उसको पुकारो पुकारो आएगा आएगा और थैंक यू जीसस मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर तू आएगा और अपने लोगों को बीच में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 और पवित्र जलाली नाम में मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना सुन और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ सब बल एक मन होकर आमेन 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 सब बल हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपके बीच में कितने विश्वास करते हो वो चमत्कार करने के लिए बड़े काम करने के लिए आपके बीच में मैं अभी आराधना के साथ देख रहा था कि परमेश्वर बहुतों को कान खोल दिया है जो सुनते नहीं थे जो बच्चा सुनता नहीं था जो औरत एक सुनती नहीं थी उसके कान खुल गया है वो बोल रही है सुन रही है सबल हालेलुया मैं अभी प्रार्थना समय देख रहा हूँ कि परमेश्वर बहुतों को जो कुछ तुम प्रार्थना से मांग रहे हो परमेश्वर का विश्वास कर संदेह न कर वो तुम्हारे लिए हो गया है और मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए कर दिया है बस आपको विश्वास करना है रिसीव करना है परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं सब हालेलुया हालेलुया मैं एक ऐसा व्यक्ति को देख रहा हूँ
मैं देख रहा हूँ तो पेट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा पाता है, कैंसर टाइप का कोई चीजें हो गया है, वो चल नहीं पाता है, वो बैठ नहीं पाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया है, चला जाता है, खाना नहीं खाता है, ऐसा व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा उन्हें चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो पेट का रोग है, पेट का रोग से पीड़ित है, पेट का बीमारी से पीड़ित है, ऐसा वॉलंटियर देखो और उस व्यक्ति को सामने लेकर आओगे, परमेश्वर ने चंगा करेगा, सफल। हालेलुया। पेट के प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाता, हाथ गोड़ पतला हो गया है, परमेश्वर उसे ब्लेस करने जा रहा है, सफल। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाओ और एक बार जोर से स्वागत करो। ओके, आज परमेश्वर बड़ा काम करेगा आपके बीच में। अभी हम गवाही को सुनते हैं, मेन मेन गवाही, थोड़ा जल्दी से गवाही हमें दिलवा दो और सारे लोग अपने स्थान पर बैठ जाए थोड़े समय के लिए, परमेश्वर सबको ब्लेस करेगा। थोड़े समय के लिए बैठ जाओ अपने स्थान पर, कपड़े को झाड़ के बैठना, आज कुर्ता को झाड़ के बैठो, पैर को झाड़ के बैठो, बोलो जितने भी शैतान मेरे घर में है, मेरे परिवार में है, मेरे बच्चों में है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से कुचल देता हूँ। कुचलो उसको, कुचलो, बोलो कुचलता हूँ बीमारियाँ, कुचलता हूँ शैतान, कुचलता हूँ समस्या, कुचल दो गरीबी को, बोलो कुचलता हूँ तुझे, तू बड़ा नहीं है, मेरे परमेश्वर बड़ा है, वो है, आज मुझे आजाद करके भेजेगा। हालेलुया। और देखो मैं करो, जितने छलांग मार रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको चंगा कर दिया, आपके घुटने के दर्द खत्म हो गया है। हाँ, इसको लेकर आएंगे ऊपर, लेकर आएंगे ऊपर, लेकर आएंगे। हालेलुया। ऊपर लेकर आओ, ऊपर लेकर आओ, इसको सुला दे, ऊपर सुला दे, सुला दे, सुला दे, कोई बात नहीं, सुला दे, सुला दे, सुला दे। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, सफल। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी मैंने अभी क्या बोला, मैंने मैंने आते ही देखा कि ऐसा व्यक्ति है जिसके पेट पे कोई रोग है, उसका हाथ पैर पतला पतला हो गया है, ये चल नहीं पाता है, देखो इसका कंडीक्शन, लेकिन परमेश्वर काम करता है, सफल। हालेलुया, हालेलुया। ओ चीज, सब बैठ जाओ अपने स्थान पर, सब बैठ जाओ, परमेश्वर प्यार करता है आपसे, सफल। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, सब बैठ जाओ। हाँ हाँ, एक गवाही सुनेंगे हम, इसको थोड़ा समय के लिए इधर कर दो, कोई है, तू आ जा, तू नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या दवाई, क्या दवाई? हालेलुया। पापा जी, ये बहन अमृता देवी रुद्रपुर भटवलिया समौर बाजार से आई। इस बहन को 3 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे, 3 साल हो गया शादी को, कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन काफी जगह से दवा कराई, कहीं से इनको सफलता नहीं मिली। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री को, रहिया देख करके ये बहन यहाँ आई, आने के बाद से आज आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, ये बहन 2 महीने से प्रेग्नेंट है। कितने कितने सुन रहे हो, शादी को कितने दिन हो गया था? 3 साल। कौन है? बात करो, बात करो, शादी कितने साल हो गया था बेटा? 3 साल। थोड़ा बंद करो, कितने साल हो गए थे शादी को? 3 साल। सुनो, इसका शादी को हुए 3 साल हो गया था, इसके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ बेटा, जब तू आई थी मेरे पास तो क्या हुआ? तो पापा जी ने कहा कि प्रार्थना करेंगे, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। हाँ। तो हम आए और पापा जी ने प्रार्थना की है, तो हमें बच्चे की आशीष मिला। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। 3 साल के बाद किसी ने इसको बताया कि एक बार चर्च जाके देख, एक बार परमेश्वर के भवन में जाके देख, कहीं और मत जा, एक बार पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में जाके देख, चमत्कार होता है कि नहीं होता है। 3 साल के बाद इसने विश्वास करके आई, करिए कि जैसे प्रार्थना मेरे लिए हुआ, जैसे आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, 3 साल के बाद मेरा जो बंद पड़ा कोख था वो खुल गया है, और कह रही है अभी तो मैं 1.5 महीना का प्रेग्नेंट भी हुआ। ये कौन करता है? कौन करता है? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर करता है, परमेश्वर। लेकिन तुम लोग माइक ले लो, उसे पकड़ने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बोलना आता है तो माइक दे दो दूसरों को। किस कौन करता है ऐसा काम? बोलो परमेश्वर। आपके लिए भी परमेश्वर बड़ा काम करेगा, बोलो आमीन, आमीन। अभी तो प्रेग्नेंट है बेटा, बात करो, अभी तो प्रेग्नेंट है,
ओके अगले तेरे गवाही में अगले साल सुनूंगा जब तू बच्चा को लेकर आएगी कि नहीं। बोल परमेश्वर मेरे आशीष से तू खोल कि मैं जल्दी से गवाही लेकर आऊंगा और कोई परेशानी ना रहेगा। बोल आमेन। इधर घूम। परमेश्वर तू मैं ब्लेस करे, तेरे गर्भ को ब्लेस करे और तेरे घर में आशीष मांगते हैं यीशु के नाम में। आमेन। जा प्रभु ओ राजा वो राजा है वो प्रभु का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजा वो पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम सुनीता देवी है। 2 साल से इस बहन के बच्चा जो था वो पढ़ने नहीं जाता था और ये बहन जब सोती थी तो उनके पेट में कुछ काटने जैसा महसूस होता था। तो ये बहन यहाँ पर आई, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गई और उनका लड़का पढ़ने भी जा रहा है और पेट में हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। परमेश्वर तो मूड में है ही है, परमेश्वर के दास भी आज मूड में है। आज पूरा चर्ची मूड में है। आज जिनके पास बच्चा नहीं है, आज जिनके पास बच्चा नहीं है वो दिल खोल के आशीष मांग ले। आज परमेश्वर मूड में है और परमेश्वर के दास भी मूड में है। हालेलुया। ये बहन रंजू देवी, इस बहन को एक बच्चिया थी, कोई लड़का नहीं था। ये बहन 3 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, करा करके गई, उसके बाद आज बेटा लेके आई। हालेलुया। सुनो, इस साल में परमेश्वर ने बहुतों का आशीष दिया है। मैं बता रहा हूँ बच्चों को, इस साल में गवाही सैकड़ों से ज्यादा आया मेरे पास। इस साल में परमेश्वर इतने गवाहियां दिया, सैकड़ों से ज्यादा औरतों को बच्चा हुआ है, वो गवाही लेकर आई है मेरे पास। ये पहला गवाही नहीं है, हर वीडियो में आपको मिलेगा किसी ने किसी को बच्चा हुआ है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है, किसी ने किसी का काम खुला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च के लोगों, मैं आपके लिए एक और खबर देना चाहता हूँ। जिसके पास औलाद नहीं है, जो औलाद मांग रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस शुक्रवार के स्पेशली औलाद के लिए प्रार्थना होगा। शुक्रवार के मीटिंग में आपको आना है और शुक्रवार को जो मैं डायरेक्टली अभिषेक करूंगा, आपको डायरेक्टली आपके लिए अभिषेक करूंगा। पति का साथ भी जा सकते हो, अगर पति नहीं है तो भी जा सकते हो, अगर आपने आपके पत्नी नहीं है सिर्फ पति हो तो भी जा सकते हो उसका फोटो लेकर। मैं कर इस शुक्रवार की स्पेशली मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर पंथ ने खोल देगा। आप तैयार हो जाओ इस शुक्रवार के, आप भी आशीष लेने के लिए तैयार हो कि नहीं? देखो जिंदा गवाही है कि नहीं, ये जिंदा गवाही है, बच्चा दिखा दे ओरिजिनल है कि नहीं? हालेलुया। बच्चा है कि नहीं ये? यस। 3 साल के बाद आया है, 3 साल तक कितना इंतजार की होगी, कहाँ कहाँ गई होगी, कहाँ कहाँ नहीं माठा टिकी होगी, है कि नहीं? जब आदमी दुखी होता है तो कहीं ना कहीं माठा टिकता है कि नहीं? लेकिन कहता हूँ अगर हर जगह से माठा टिक थक चुके हो, एक बार खुदा के घर में माठा टिको, मैं करूँ काम बनेगा ही बनेगा। हालेलुया। देखो बच्चा हुआ, मम्मी बोलेगी क्या मांग रही थी तू प्रभु से, क्या मांग रही थी, मिला कि नहीं, विश्वास हुआ कि नहीं? अच्छा जिसके पास बच्चा नहीं उसके लिए तू क्या बताएगी, क्या उनको विश्वास दिलाएगी, तू बता।
विश्वास है तेरे पास बेटा नहीं था, तू आई, तू प्रार्थना कराई, तेरे को बेटा हुआ। हाथ खा कहो जितने लोगों को बेटा नहीं है सबको बेटा होगा, बोल ऐसे बोल, तेरा बेटा हुआ सब, ऐसा नहीं, हाथ उठा, बच्चा हुआ तो कोई शर्म नहीं हुआ, बोलने में शर्म आएगी तो कैसे बच्चा होगा। और बच्चा चाहिए क्या की, बस हो गया फाइनल, अभी तो जोड़ा लगाना चाहती है, जोड़ा लगाना चाहती है, हालेलुया, अब बंद करा देंगे, ठीक है ही के हमको पता है तू का चाहती है, पकड़ इसको, हालेलुया हालेलुया, देखो जोर से ताली बजा के स्वागत, ओ नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुणगान, ओ नाचेंगे गाएंगे इस में डूब जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुणगान, बोलो बोलो विश्व तेरा धन्यवाद, धन्यवाद विश्व तेरा धन्यवाद, विश्व तेरा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, उधर से, उधर से बेटा, उधर से, हेलो हेलो, ए पैसा वाली उधर जा, थैंक यू जीसस, उधर जा, उधर 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 इधर दे, इधर कोई बात नहीं, तू क्या मांग रही है इनके साथ में, मेरे हाथ में ना, इधर दे, चलो 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 चलो, हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है, इस भाई का नाम मजिस्टर प्रसाद है, 3 साल से इस भाई के पेट में पथरी था, इस भाई के पेट में पथरी था, ये भाई पिछले हफ्ते आपके पास आए, इनको 3 साल से, कितने महीने से, 3 साल से पेट में पथरी था इनको, ये रिपोर्ट भी है, देखो ओहो, ये देख सकते हो आप रिपोर्ट, ये कितने सारे रिपोर्ट इनके हैं, देखो 3 साल से इनके पेट में पथरी था, और ये भाई यहाँ पर आए, आपसे स्पेशल हैंड प्रे करा के गए, आज 3 साल से जो पेट में पथरी था आज बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, सफल हालेलुया। ये देखो 3 साल से जो पेट में पथरी था, आदमी हैरान हो जाता है ये कैसे होगा, मैं कह रहा जो काम मनुष्य नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा, आमेन आमेन, विश्वास करते हैं, जो काम मनुष्य नहीं होगा परमेश्वर से होगा, जो काम डॉक्टर्स भी नहीं होता है वो डॉक्टर कहते हैं अब तू गॉड पर भरोसा कर, परमेश्वर पर भरोसा कर, वो ही तुम्हें बचाएंगे, तो जो परमेश्वर हमें बीमारी के उस हालात में बचाएंगे वो परमेश्वर हमें आज भी बचा सकता है जब हम विश्वास करेंगे, सब हालेलुया हालेलुया। अभी आपका पथरी ठीक है, हेलो, अभी पथरी ठीक है, कब से पथरी था, 3 महीना दिन हो गए, अच्छा 3 बरी से, ओके, तो सुनो सुनो, अभी आप ठीक हो, कहाँ से आए हो, हनुमती टोला से, हनुमती टोला, मती टोला, मती टोला, चलो परमेश्वर ब्लेस करे, ताली बजाओ, मेरी खुशियों की कोई हद, जल्दी कर गवाही दे वाला भाई, आज बहुत तो कहीं नहीं होने वाला है, साथ है यहोवा मेरे साथ है, साथ है यहोवा मेरे साथ, साथ है यहोवा मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया, खड़े खड़े, ओके ओके, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आप देख सकते हो इनके गवाही को, हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है, इसकी गवाही है, इसकी गवाही है, इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है, इसके गवाही है, ये पूरी फैमिली है, ये पूरे परिवार है जी, और इस बहन का नाम रामावती देवी है, 6 महीने से इस बहन के पेट में कैंसर था, कैंसर कैंसर था, तुझे कैंसर था, दिखा 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 दिखा, हालेलुया, इनसे बात कर, इनसे बात कर, ये मम्मी अभी बात कर, क्या हो गया था, 6 महीने से कैंसर था,
छह महीने से इसको कैंसर हो गया था, पीलिया था, कैंसर था, शुगर, मैक्साइक का पीलिया था, शुगर था और कैंसर था, तीनों पीलिया था, शुगर था, कैंसर था जी, छह महीने से जी। तो ये यहाँ पर कब आए? अभी एक महीना हो गया, चार बिट आ गए, चार बिट हो गया, एक महीना पहले आए यहाँ पर और आपने ले हैंड प्रेस स्पेशली कराया। अभी रिपोर्ट में क्या है? अभी रिपोर्ट नहीं कराया, विश्वास है कि पूरा सही हो गया। अभी दर्द खत्म हो गया है, समस्या खत्म हो गया है, अभी अब ठीक हो? पूरा ठीक हो गया, हमारे विश्वास से पूरा ठीक हो चुका है। ये होता है परमेश्वर का काम। देखो, पेट में इसका कैंसर हो गया, तो इसका रिपोर्ट भी देखो, कितने सारे रिपोर्ट हैं कैंसर का, पूरा प्रूफ है इसके पास कि ये कैंसर हो गया था, इसका और रिपोर्ट अंदर होगा, निकाल के दिखा। और देखो ये, देखो ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती है ना, रिपोर्ट झूठ बोलती है क्या? करे एक महीना हुआ, चार बार आपके पास आए हैं, करे चार बार के अंदर परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और करे कि मेरा मम्मी कैंसर की बीमारी से आजाद हो गई है। हालेलुया। तेरा माइक सही नहीं, जब मैं बोलूं तो बोलता ही नहीं, नहीं बोलना तो हट जाना, तू भी हट जाओ, बेकार में खड़े हो पंगा से खड़ के सब। हालेलुया हालेलुया। इसके अंदर कितने रिपोर्टें है कि नहीं? ये रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट देखो, कब से इलाज करा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चमत्कार करता है, विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, किसी भी समस्या से पीड़ित क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करके देखो। आज मैं कह रहा हूँ, आप मेरे पास आओ या ना हो, लेकिन मेरा यहोवा आपके साथ है, लेकिन आप आगे हो या पीछे, कह रहा है परमेश्वर के जाए, तुम जहाँ भी रहोगे आप खड़े हो, खड़े खड़े चेक करोगे, आपका दर्द खड़े खड़े खत्म हो रहा है। इस बाउंड्री के अंदर अगर कहीं पर भी खड़े हो, अगर मेरे बात सुन रहे हो, मैं करूँ आप खड़े खड़े अपने पेट को चेक करोगे, दर्द खत्म होगा, अपने सर के चेक करोगे, खत्म होगा, अपने बॉडी को चेक करोगे, यहाँ सजाओगे, जो काम सोच के आए थे परमेश्वर मेरा नौकरी लग जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मैं करूँ तीन हफ्ते के अंदर आपका काम बड़ा होने वाला है, पाने वाले हो। कभी मम्मी ठीक है? भैया बोले कि एक जांच करा कर बाबा को 5000 एक रुपया दान कर दीजिएगा। 5000 एक रुपया दान करने की सोच भी ली जी? कोई बात नहीं, मेरा इच्छा प्रभु तेरे मन में जितना इच्छा डाल दे उतने दान कर देना। दान अपनी इच्छा से होता है, दान बता के नहीं, दान को गुड़ा के नहीं, दान अपनी इच्छा से होता है। जो इच्छा मांगता है खुदा के लिए वो दे दो। हालेलुया हालेलुया। अगर तू सच्चे दिल से दान करेगा, सच्चे दिल से बताता हूँ, तेरे मम्मी की उम्र बढ़ जाएगा। हालेलुया। जैसा तू करेगा वैसा ही होगा तेरे लिए, विश्वास कर। जैसा तू बड़ा दान होगा, तेरा उम्र, तेरे मम्मी की उम्र इतनी बड़ा होगा। तीन भाइयों को ब्लेस करेगा परमेश्वर। कितने भाई को? तीन भाई। हालेलुया। कौन भाई हो? तीन भाई। हालेलुया। नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे। परमेश्वर को सब पता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को पता ना हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। इसका अगला रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर हम गवाही दें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया जी, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया, जाओ जाओ जाओ, बदल गया। बात है कैंसर से औरत आजाद होकर कैसे इलाज कराई थी, मैं कर रहा हूँ, इनका भी हालत देख रहे हो, ये न चल पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न घूम पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चमत्कार करेगा, करेगा, बोलो करेगा कि नहीं? विश्वास करो, इनका इलाज कर रहा हूँ मैं, देखो इनका इलाज हो रहा है, सुलाया हूँ, इलाज हो रहा है। और किसी गवाही है? एंड लास्ट जल्दी, अभी सब गवाही है, ओके ओके, हालेलुया, गवाही पास, हालेलुया। ये बहन तेरुफुरा निशा, ये बहन मंचा छापर से आई है। इन बहन का ट्रैक्टर का लोन नहीं था, दिया जा रहा था, ट्रैक्टर घींच के जा रहा था। जब ट्रैक्टर घींच के जा रहा था तो ये बहन प्रार्थना कराई, इनका ट्रैक्टर वापस आ गया। ओ जोर से स्वागत करो, यहोवा मेरी जंग लड़ेगा, यहोवा मेरा जंग लड़ेगा, यहोवा मेरा जंग लड़ेगा, यहोवा मेरा जंग लड़ेगा, यहोवा मेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया।
ये बहन बसंती देवी, इस बहन का 2 साल से दोनों कान घाव हो गया था। 2 साल से दोनों कान में घाव हो गया था जी। डॉक्टर बोल दिया था, ये सारी रिपोर्टें हैं, डॉक्टर बोल दिया था। इसमें दोनों में बसंती कौन है? बसंती कौन है? अच्छा ये ठीक है। तो इसके दोनों कान में क्या हो गया था? घाव हो गया था और डॉक्टर बोल दिए थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन दोनों कान का ऑपरेशन सुन करके घबरा गई थी कि कैसे मैं बचूंगी। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री घूम रही। देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद आप सुने हैं प्रार्थना कराई, आज ये बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। कौन सी कान में प्रॉब्लम था? कौन सी किधर वाला कान में थोड़ा उधर हो गया? दोनों कान में एक तो कान ऑपरेशन हो गई बाद फिर से डॉक्टर दोनों कान का ऑपरेशन बोल दे। हां आप से जाए नी प्रार्थना कहनी कहनी के रुक जा भाई, हमार कान के रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हम गवाही दे। तो का हो गई? प्रार्थना करा का बोलू तो का भयल? जब प्रार्थना करा बोलू तो का भयल? नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। जोर से महिमा करिए परमेश्वर। वो सब हाथ उठाए खुदा के लिए, सब हाथ उठाए खुदा के लिए, वो सब ताली बजाए खुदा के लिए, सब तालियां बजाओ खुदा के लिए, वो सब तालियां बजाए खुदा के लिए, सब ताली बजाए खुदा के लिए। ओके ओके नेक्स्ट जल्दी फाइट। हालेलुया। बहुत सारे लोग देखो जितने लोग ले हैं प्रेयर करके जाते हैं गिनती नहीं रहता कितने गवाहियां दिया जाए। अपने उसी समय से सुन रहे हो गवाही को, अपने लाइन लगाए लोगों को कितने लोग ठीक हुए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है और जब करता है तो वो देर नहीं करता है। कहता जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमेन। आमेन। ये बोलता नहीं, इसको माइक छीन लो। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों रिसीव करना नहीं जानते। परमेश्वर दोनों काम नहीं बनने दे, रोक दे आज कैंसिल। तुम लोग काम रुकवा देता दोनों का। हालेलुया। तुम लोग नौकरी भी बनवा दूंगा अगर बोलोगे नहीं समय से फिर काम खुल जाएगा। हालेलुया। ओके दे दे दे। कितना पैसा कमा ला लिया ये? 1000 इतने ले आई है। डॉक्टर कितना मांगा था तेरे को पैसा? मांगा था बताओ। अभी अभी ऑपरेशन करने के लिए कितना मांग रहा? दोनों कान के भी मांगले नहीं रहना खाली ऑपरेशन का है कि कलर लान तो हम दे रहा गए कराई थी। एक कान का पैसा कितना लगा? खाली अभी ऑपरेशन के 20,000 और दवाई का अलग। दोनों कान का तो 50,000 काम भई दे लेकिन अब नहीं होगा। जा जा पहना दे पहना। वो सब तालियां बजा बोला जीसस। पास्टर जी इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम रमिता देवी है। इस बहन की जो लड़की थी दिसंबर में शादी हुआ था, बच्चा नहीं हो रहा था और ये बहन यहाँ पर आई और आपसे लेहन प्रेयर करा के गई। आज इनकी बेटी डिलीवरी के साथ ब्लेस हो चुकी है। इसके बेटी को बच्चा नहीं हो रहा था अपने बेटी के लिए प्रार्थना कराई और यहाँ से अपने बेटी के लिए प्रार्थना कराई तो अब इसका बेटी प्रेग्नेंट है। इसको बात करें इसको बात करा। कहाँ से आई है? कहाँ से आई बड़ू? रामपुर मकुन से। कानपुर से? रामपुर। रामपुर से। हालेलुया। तो क्या हुआ था बड़ू? क्या हुआ था बेटी को? बेटी को डॉक्टर कह दले कि डिलीवरी ऑपरेशन से हो यहाँ पर ये ना प्रार्थना कहनी हुई जिससे हॉस्पिटल में से हमारे बेटी के नॉर्मल डिलीवरी हुई तो हम आए तक गवाही दे। तो बच्चा नॉर्मल हो गया? हाँ नॉर्मल हो गया। का बोला बच्चा? लड़की भाई। ओहो हालेलुया। कोई बात नहीं जोर से स्वागत। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा
ये बहन गुड्डी देवी भेड़िहारी टोला लटवा चट्टी गोपालगंज जिला से आई। इन बहन को 7 साल हो गया था शादी हुए, पीरियड नहीं आ रहा था, पीरियड नहीं आ रहा था। ये बहन काफी परेशान थी, इनके घर के लोग और इनके पति। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मनिष्ठी गोबरहिया, देखने के बाद ये बहन आई यहाँ। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ही बहन का पीरियड आ रहा है। हालेलुया, सुनो, पीरियड आ रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चा भी आ रहा है। परमेश्वर सब काम करेगा, इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम। परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार करेगा, चमत्कार दिखाना चाहते कि नहीं? तेरे गर्भ में फल भी आएगा, परमेश्वर देगा, समझ रही है? परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, टच टच ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव जो जो गवाही के साथ आएगा तू। हालेलुया, अगला हालेलुया, फास्ट फास्ट हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम सीमा देवी है। 1.5 साल से इस बहन को बवासीर था, 2 साल से बवासीर था, और उनके बच्चे को गुप्त प्रॉब्लम थी, और ये बहन यहाँ पर आई, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गई। आज के बाबा सिर से और इनका बच्चा गुप्त बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया, मैं चंगी हो गई, 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 तेरा बीमारी ठीक हो गया। हालेलुया, ये बहन सुशीला देवी बघौच गांव हनुमान चौक से। इस बहन के पति सरकारी रोडवेज के ड्राइवर थे, सरकारी रोडवेज के ड्राइवर थे, 2 महीना पहले छोड़ दिए थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज ड्राइवरी कर रहे हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस भाई का नाम साबिर आलम है। 3 महीने से भाई गाड़ी लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। ये भाई यहाँ पर आए और आपसे स्पेशल हैंड प्रेयर करा के गए, और आज ये भाई गाड़ी के साथ प्लस हो चुके। ओ, देखो गाड़ी हो गया आपका। हेलो, गाड़ी हो गया। कौन सा गाड़ी ले लिए? डिलक्स लिए थे सर। डिलक्स जी, एचएफ डिलक्स। हमें कब घुमाओगे एचएफ डिलक्स? अभी घुमा देंगे सर। वो सुनता है, हालेलुया हालेलुया। ये चंपा देवी, ये बहन, इस बहन को पूरी बदन में दर्द था, पैर और कमर में। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, बिल्कुल चंगी हो गई, चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हालेलुया हालेलुया। ये प्रॉब्लम था तुझे? अच्छा, और प्रार्थना हुआ तभी आराम हो गया? ओके ओके, जोर से स्वागत करें प्रभु का, मिले कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम रेखा देवी है। इस बहन की जो बहू थी उसके बच्चे दानी में ब्लड जम गया था, और ये डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, लेकिन ये बहन यहाँ पर आई और आपसे स्पेशल हैंड प्रेयर करा के गई। आज इनकी बहू नॉर्मल तरीके से सही हो चुकी है। हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से। मेरी खुशियों की कोई हद नहीं। सब हालेलुया हालेलुया। सुनो, इन सबको खड़ा करा दो, सबके, बहुत टाइम लग जाएगा गवाही लेते लेते। सबको खड़ा करा, सबको 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 लाइन से खड़ा करो, यहाँ यहाँ यहाँ, उधर मुड़ करके खड़ा करो, सबको खड़ा करो, सबको खड़ा करो, टाइम लग जाएगा गवाही लेते लेते। हालेलुया। देखो, एक बार
मीटिंग में प्रार्थना करता हूँ, गवाही का लाइन लग जाता है, मैं करो गवाही सुन नहीं पाते, कई घंटा लग जाएगा, मैं अभी फिर प्रार्थना करूंगा और आंखों से देखोगे आपका गवाही बनते हुए। देखो ये गवाहियां, देखो ये क्या हुआ था, क्या क्या गवाही है, कलाई में दर्द था एक साल से, आज आराम हो गया। कलाई में दर्द था एक साल से, ठीक हो चुका है। स्वागत करें, वेलकम करें, जोर से मैं करिए। ये रिपोर्ट लेकर आइए, क्या हुआ था, क्या हुआ था इसको, क्या हुआ था, कुछ गवाही बोल। एक एक आदमी से पूछते जा, एक एक आदमी पूछते जा, एक क्या हुआ था बेटा, क्या हुआ, तू तू क्या हुआ, क्या तुम्हारा क्या बीमारी, ठीक हो गई है, कितने साल से थी, एक साल से, और जिस दिन आई 3 माह को आई वहाँ, उसके बाद पागल के जैसे घर में जाती थी यहाँ से, तो ठीक था, जब घर में जाती थी तो पागल के जैसे घर में रहने नहीं देते, यहाँ से प्रार्थना कराई, यहाँ पे आती थी तो इस समय बहुत आगे चली गई, नाम भी लिखा गया और टीचर भी हूँ, टीचर भी है, इसका गवाही सुनो, करिए पहले मेरे को शैतान पकड़ लिया था, मैं शैतान से पीड़ित थी, लेकिन यहाँ पर आई तो शैतान तो भग गया, शैतान के भागते भागते क्या हुआ, करिए मैं टीचर भी बन गई, मैं कह रहा हूँ आप तो हवाई जहाज बनाने वाले बन जाओ, आप तो विधायक बन जाओ, आप एमएलए बन जाओ, आप वकील बन जाओ, जितने रिसीव कर रहे हो, जो नौकरी मांग रहे हो मिल जाएगा, मिलेगा, बोलो मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। क्या हुआ था तुम्हारे भाई, क्या बोलो, दारू पी रहे थे 20 साल से, दारू पीते थे छोड़ दिए, ताली बजा इसके लिए जोर से, आगे बड़ा 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 जल्दी से, क्या हुआ था, गवाही यही है कि हमारे घर वाला हमें हिस्सा नहीं दे रहे थे, अब हम प्रभु में आए, प्रार्थना की है कि जिस दिन हमारा हिस्सा मिल जाएगा उस दिन हम गवाही देंगे, घर वाला हिस्सा नहीं दे रहे थे, तूने आई प्रार्थना कर, हिस्सा मिल गया, जोर से स्वागत करो, जोर से, तुम्हारा हिस्सा, 3 साल से बुखार लग रहा, पूरा शरीर दर्द, तुम कहनी की सुन कहनी कहनी की हमारा बुखार 3 साल से, ओके चल ठीक है, जोर से स्वागत करो, हां 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 ठीक है, लोग बोले कि बीमारी लोग प्रार्थना करा नहीं ठीक हो गए, का बीमारी रहो, लोहू बहने का बीमारी था, प्रार्थना करें ठीक हो गई, ताली बजाएं जोर से उसके लिए, जम्मू लेके जम्मू तभी बुखार लागल तो नानी मन तो पानी पियो नहीं, प्रार्थना कह नहीं तो बुखार निमन हो गए, चंगा हो गए, जोर से स्वागत कर, जल्दी से बोल, 6 साल से पैर में दर्द रहल, ठीक हो गया, जोर से स्वागत कर, जल्दी कर, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, तबियत खराब रहल, हां कहली जब तमन्नाते नीमन हो जाई, हां ना के गवाही दे पास्टर के मुंह मीठा कराए, तब हम लड्डू ले आइल नि, आ ए गौरी गवाही बा, जब दुकान खोले के सोचत हम दुकान नहीं के खुलत, अच्छा का का लाई लड्डू किया बोले, ले दर्द रहल ठीक हो गेल, हालेलुया, चल तेरा दुकान खुल जाएगा, टेंशन मत ले, दान का दे उसमें, दे दे उसमें डाल दे, उसमें डाल दे, झोरा में, झोरा में, ओके 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 ओके, जल्दी बोल गवाही, बहुत माइक में नहीं बोल पाए लीजिए, खाली ठीक होकर जानते लीजिए, माइक में लगा ना मुंह तो बोलिए, सब लगाओ, जोर से स्वागत करे, वेलकम करे, हाँ हाँ आगे 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 आगे, विदेश में गोली चल रही, बच गया है, जोर से स्वागत करे, आगे बढ़ाते जा, निकालते जा, वॉलंटियर हाँ, 8 साल से बुखार तो नहीं ठीक हो रहा था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया, ठीक है ओके ओके ओके, चल गवाही सुनाओ, इसका गवाही सुनाओ, मुरी में नस बैठ रहा, ठीक हो गया, हाँ ढेर दिन से तबियत खराब रहा, 7 महीना दिन से, अब ठीक हो गया, मुरी में नस बैठ रहा, ओके ओके, जोर से स्वागत करो, वेलकम वेलकम वेलकम, हाँ हाँ, साल भर से सोच रहे थे टेम्पू खरीदने के, यहाँ पर आए तो खरीदा गया 10 दिन बाद, साल भर से सोच रहे टेम्पू लेने के लिए नहीं ले पा रहे थे, और यहाँ पर आए आपके लिए प्रार्थना, और टेम्पू ले लिए, टेम्पू ले लिए, ले लिया, टेम्पू लेकर भी आए हैं, ओ हो सुनो बात के,
एक काम तो मैं और कर रहा है, अगर जितने लोग आते हैं बाय चांस किसी के पास किराया ना होगा तो भी लेकर आएगा, ठीक है। तेरा तेरा जो ऑटो है ना एक से दो हो जाएगी अगर तू सेवा करेगा तो, बिना भाड़ा वाले को भी चलाते रहना। 6 साल से गिनती था, विदेश चले गए। इस बहन को 6 साल से गिल्टी था, अगली बार आई आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, गिल्टी खत्म हो गया। और क्या क्या गवाही है? हेलो, हाँ मेरे बीबी के पेट में इधर तक तबीयत खराब था, वो ठीक हो गया है। बीबी के पेट में तबीयत खराब था, वो ठीक हो गया। तब बीबी के पेट में क्या दिक्कत था? दर्द हो रहा था तो आपने प्रार्थना कराया तो आपका बेबी का पेट ठीक हो गया, आप खुश हो? खुश है। हाँ कोई बात नहीं, पहले पत्नी ठीक हो गई तो भी ठीक हो जाएगा। ओके, अगले हालेलुया। अनीता देवी, हाँ जल्दी कर, इस बहन बच्चे का जो है सीने में दर्द था, मथा चक्कर दे रहा था, आई आप चले हैंड प्रेयर कराए, बिल्कुल ठीक हो गए। ओके 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 ओके, चल चल। हमारा आदमी बाहर मोबाइल बंद है, फोन करनी है ना, पैसा भेज करनी है, आई जा आई नहीं हूं, प्रार्थना करनी तो हमारा आदमी पैसा भेज। ओके ओके ओके, जोर से हालेलुया हालेलुया। ओके ओके, रुमाल।